जी राम राम, जय माता दी। तो कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। तो अभी जो है मैं आ चुकी हूँ अपनी गौशाला में। दिन का टाइम है, एक बार सुबह चली गई थी आके, अभी दिन को आई हूँ और सिया के हाल दिखाती हूँ आपको। इतनी नखरे वाली बच्ची है ना, फिर सिया फिर ये पता क्या करती है, मैं दिखाती हूँ आपको। इनको देखो, हरा घास दिया है और ये हरे घास के ऊपर आएगी सिया। ये ना हरे घास के ऊपर आएगी, इनको हरा घास दिया यहाँ खाने को। इस साइड बांधा है इनको धूप में, देखो ये हरे घास के ऊपर खड़ी होगी। इतनी जिद्दी है ना, इतनी जिद करती है। और देखो कैसे खा रही है, इतनी बिगड़ैल बच्ची है। वो कहते हैं ना, अगर किसी को आप ज्यादा ही मानते हो भी सिर के ऊपर चढ़ जाता है, ये सही बात है। अच्छा जी चलो, तो अभी मुझे ना मटरों को थोड़ा पानी देना है, पानी लगाना है। अब ठंड इतनी हो गई यहाँ पे कि ये चीजें बढ़ ही नहीं पा रही है। यहाँ पे पानी पिलाऊंगी मैं फिर। अच्छा मैं दिखाऊं आपको कि मैंने क्या दिया इनको खाने को, करियाले। ये देखो गौरी, ये बेचारी मेरे शरीफ है। यहाँ करेंगे इनको बांधने को जगह। देखो जहां पे इनको बांधते ना, वो अभी धूप नहीं आई, अभी तक नहीं आई है। तो यहाँ चलो थोड़ी थोड़ी धूप आ गई है और बस यही रहा प्लास्टर करने को। चलो पानी देखती हूँ मैं, पहले थोड़ा सा ये घास खा लेती ना, फिर मैंने गोबर पाथना था, गोटू बनाने थे। और अभी पता है सारा ऊपर से मसाला गिरता है तो बुरे हाल होता है। पानी जाने वाला है, चला गया, जाने वाला क्या है, चला गया। ये इस साइड हमने सलगम लगाए थे, सलगम हमारे कुछ कुछ हो गए हैं। और ये हमारे मटर, ये देखो चला गया, पर पानी चला गया। बस इतने मटर हुए हैं अभी हमारे, और इनमें मैंने खाद भी फेंकी है। अब ठंड की वजह से तो बेचारे ऊपर की तरफ हो ही नहीं पाएंगे, ये बहुत मुश्किल है। इस साइड ना ये घूमते रहे कोई तो, और आज यहाँ पे कर रहे हैं ये लोग प्लास्टर। तो हाँ जी, राम राम, जय माता दी। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। सुबह का टाइम है और आज देखो लाइट बंद कर दिया करो मैं। बिजली का बिल कौन भरेगा, बिजली का बिल कौन भरेगा? तो ये देखिए, और मतलब आज कितने कौन कौन महीने गए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर है ना, सबसे ज्यादा ठंडा दिन है आज। ये तो टूटनी है ये। और इन्होंने बाहर रखी है, और ये ना पाला तो इनके लिए बहुत मार्ग, पार भी तो बाहर है आई है। तो ये देखो अभी यहाँ पे बस थोड़ा सा, अगर इनमें थोड़ी सी वो लगी ना तो ये टूट जाएंगी, मतलब पाला। ये देखो ये सारा ये बार पाला पड़ा है आज, और सफेद माया है, सफेद माया कोरा इतना पड़ा है। और मैंने मटर नींदे थे ना, अब इनमें कुछ थोड़ा बहुत सुधार आ रहा है मटरों में। तो देखो आप देख सकते हैं कितनी की ग्रोथ होती है हमारे यहाँ पे, है ना, बहुत कम। और हाँ, मिर्चों का साग वही बहुत पसंद किया लोगों ने। और ये मूलियाँ है, और मूलियों को पानी नहीं दिया मेरे ख्याल में, एक दिन मैंने ही दिया था। साइडों से ये मूली है, ये देखो ये मूली है, और ये मेथी है। आप देख सकते हैं, मैं नजदीक से दिखा देते हैं, देखो ये
मेथी भी होगी हमारी, थोड़े दिन बाद साग के लिए हो जाएगी ना। और प्याज लगाना था परली साइड वहां पे जो मैंने रखा है। अब ये भाई गर्मी रहते कल थे तो बहुत सारा काम किया और भी था। और ये वाला मिर्चे देखते हैं, अगर रह गई तो ठीक है, नहीं तो फिर इनको भी काट देंगे। ये पूरा अगर एक बार जोत दिया जाता ना इस पोर्शन को, तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ लगा देते ना। और ये है हमारी राई, काफी लोग पूछ रहे थे कि ये क्या चीज है, तो देखिए जी ये राई है और ऊपर से मसाला पड़ता है। तो फिर ये देखो ऊपर वाले में प्लास्टर हो गया, और ये यहाँ पे ये भी मेरा टूट जा, जो जी जो जा ना सुबह सुबह कहीं से आ गया। और ये आया है यहाँ पे सीमेंट, 40 बोरियां लग चुकी है, 40 और आ गई, 80 बोरियां और 415 रुपए की एक बोरी है, 420 रुपए की किराया अलग से। काम करना बहुत मुश्किल है भाई। ये देखो जो जो हटो, अभी नहीं जा रही हूँ मैं, कुर्सी छोड़ने जा रही हूँ, रुक जा। और बस आज थोड़ा सा रहा, चलो ये कुर्सी है ना ये बाहर निकाल देते हैं। ये देखो ये टूट जाने फिर क्या फायदा, टोका इसकी वजह से यहाँ सीमेंट रखने को जगह नहीं थी। ये लोग ना चीजों की केयर नहीं करते। चलो मेरे को, ओ विकास तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर को, और मैंने ये कंबल ओढ़ा हुआ है, कंबल नहीं है ये, पता क्या है, पुरानी रजाई का गिलाफ पिछले साल लिए थे पता है। इसके अलावा मेरी ना जो सौले ना इससे अलावा मेरी ठंड नहीं हट रही थी इससे अलावा मेरी ठंड नहीं हट रही थी किसी भी चीज से नहीं। और मैं इनको पता क्या बोल रही थी, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, ऊपर जो एक लाइन नहीं होती छज्जे के साथ में एक लाइन नहीं होती, उसको बोल रही थी मैं इनको कि उसको लगा देना, फिर पानी ना पूरी दीवार पे नहीं जाता है ना, कुछ इस तरह का मैं बता रही थी। बस ये पोर्शन रहा कि यहाँ तो भी आपको दिख रहा, ये पिलर भी है करने को। तो चलो अभी हम लोग चलते हैं बाहर, बहुत 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 ठंड है, हद से ज्यादा ठंड है। नीचे चलो सारे का सी जी की थी ठंड। हेलो हेलो हेलो, रुको रुको रुको, ठंड कैसी है आज? आज बहुत अच्छी। अब बोलो कैसी ठंड है आज? ये सारा लग रहा है जैसे बारिश हुई है ना। ठंड नहीं आज, पाला पड़ा है, पाला की वजह से कोहरा जमा है भाई, ये सारा गिल्ला घास घूस। हिमाचल आज पंजाब बन गया, पंजाब में होता है इस तरह का कोहरा धुंध। आज यहाँ पे भी धुंध धुंध जैसे, अब बारिश का पता नहीं बारिश भी होगी कि नहीं। ओ भगवान जी बहुत ज्यादा ठंड है, ये देख सकते हैं आप जौ के ऊपर ना ये सारा कोहरा जमा हुआ है, ये देख। अरे था कुछ करने लग रहा था जी। ये जो चीज है, हम यहाँ से गुजरते हुए सुबह जब निकलते हैं तो हमारा मन जानता है, एक हमारा भगवान जानता है कि इसमें कितनी ठंड है। यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड है, और हमारा जो जो इसको लाना नहीं तो था नहीं हमने, पर सुबह सुबह चलो इसका भी हो जाता है मॉर्निंग वॉक, शौच इत्यादि कर लेता है ये बाहर। देखिए सुबह सुबह आज फिर से आप देख रहे हैं, क्योंकि हमें आज तो पूरा दिन आग जलेगी, अगर ऐसा ही मौसम रहा ना धुंध जैसा तो पूरा दिन आग जलती है। तो लकड़ियों का मतलब लकड़ियों को स्टोर करना पड़ता है, इक्कीया लग रही काटने, रुको एक मिनट वो काटने ऊपर थे इया नहीं काट दे लकड़ू पुलाव थी आऊ। अरे देख रहे ये काटो लकड़ू, अरे तूसा तो बात हूँ इतनी आएगी मैं इतनी लाइए छेवड़े तो उन्दे कैस लाने उन्दे ब्याह लाऊ थे। चल पड़ी हमारी लकड़ियां बच गई थोड़ी सी, और अभी महीने ठंड के दो नहीं तीन, जो कहीं नहीं गया, जो जो यहीं पे जो चलो बेटा जो वो देख रे बच्चा देख जो आज देखे नहीं है घुमन तू कल रे करा कुत्ता दुला रहा और ये हमारे रास्ते हैं जी।
अभी ये रास्ता डाला है पंचायत में, देखते हैं ये खड़ना था रहेगा ना से खड़ने का। देखिए यहाँ पे इन्होंने ये घास काट दिया जितनों को मैं आई थी, ये घर में ना बिल्कुल भी नहीं बैठते, जब आते हैं तो कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, जब घर में रहते हैं तो मेरे को बड़ा आराम मिल जाता है, बच्चों का नहीं होता इतना सारा जितना इनका हो जाता है मेरे को। तो ये देखो इन्होंने 6 पूड़े काट दिए और अभी शाम के 5:30 हो रहे हैं, पूरा दिन आज मौसम बस ऐसे धुंध और ठंड, बुरे हालात। आज यहाँ पे गाय बांधी थी हमने, और यहाँ पे जल गई आग, ये अच्छा पानी। और ये देखो हम लोग यहाँ पे आग सेक रहे हैं नए घर में, ये मिस्त्री है और इधर हनी के पापा हैं। ये देखो आज आज बहुत ज्यादा ठंड थी है ना, आ जाओ भाई आग सेक लो सारे, बहुत ठंड है यहाँ पे, आग ठंड को जो मार सकती है ना वो आग ही है। और अभी काफी काम बच गया इनके पास, काफी तो काम पौड़ियां बची हैं रे, अच्छा फर्श है भी डालने को, फर्श कितने दिन में डाल दोगे, एक दिन में कितने फर्श मुका दोगे?